इस वीडियो में मैं आपके साथ दो यूज़फुल वेबसाइट शेयर करूंगा जहां से आप मुख्तलिफ किस्म के कलर्स पिक कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स पिक कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप के अंदर हम उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन करना है और उसमें लिखें UIGRADIENTS ग्रेडियंट्स। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर वेबसाइट लिंक शो हो जाएगा, UI ग्रेडियंट्स ब्यूटीफुल कलर ग्रेडियंट्स, अ हैंड पिक्ड कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल कलर ग्रेडियंट्स फॉर डिज़ाइनर्स एंड डिवेलपर्स। तो सबसे पहले आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट UI ग्रेडियंट्स के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इनका लोगो है UI ग्रेडियंट्स और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है शो ऑल ग्रेडियंट्स। दरअसल ग्रेडियंट्स हमारे पास मिक्सिंग ऑफ कलर होता है, मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं और वो आपस में मर्ज होते हैं, तो हम उनका अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनका लोगो है UI ग्रेडियंट्स और उसके नीचे यहाँ जो तीन लाइनें हैं शो ऑल ग्रेडियंट्स, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो तमाम के तमाम जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे और उनके कलर्स कोड यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे। अगर एक ग्रेडियंट के अंदर दो कलर हैं तो उन दोनों के कलर कोड यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और फोटोशॉप के अंदर जाकर हम उनको पेस्ट करेंगे तो वो ग्रेडियंट हमारे पास शो हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ग्रेडियंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कलर्स कोड होते हैं, आप उनको बैकग्राउंड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप लोगो डिज़ाइनिंग के लिए भी ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको शो ऑल ग्रेडियंट्स को हाइड करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास कलर कोड है। इस ग्रेडियंट्स के अंदर हमारे पास दो कलर हैं और दोनों के कलर कोड यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम ग्रेडियंट्स को रोटेट कर सकते हैं, आप जिस एंगल में करना चाहें यहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं। गेट CSS कोड, तो अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप CSS जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, अगर आपको वहाँ पर ये ग्रेडियंट्स चाहिए तो आपने यहाँ से क्लिक करके कॉपी करना है और आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट का बैकग्राउंड चाहते हैं कि यही ग्रेडियंट वहाँ पर, ये कलर वहाँ पर शो हो, तो यहाँ से आपको उसका कोड कॉपी करना पड़ेगा। उसके अलावा आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं JPEG, और अगर आपको न्यू ग्रेडियंट चाहिए तो आप इसको फॉरवर्ड करते जाएं और मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट यहाँ पर आपके पास शो हो जाएंगे। अगर आप बैक जाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करें तो मुख्तलिफ किस्म के कलर चेंज होते जाएंगे और आप यहाँ पर देखें उनके कोड वगैरह भी यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो लेट सपोज मैं शो ऑल ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो तमाम के तमाम ग्रेडियंट्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो भी चाहिए सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला ग्रेडियंट, या लेट सपोज मैं चाहता हूँ ये वाला साउंड क्लाउड, तो ये ग्रेडियंट मुझे चाहिए, इसके अंदर दो कलर हैं, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोनों के दोनों कलर और उनके कोड यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगे। अब इनका इस्तेमाल हम एडोब फोटोशॉप के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये एक YouTube चैनल आर्ट है, तो इसको ऑलरेडी मैंने ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो इसका ग्रेडियंट अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कलर है ऑरेंज और उसका आगे कोड है #FE8C00 और रेड हमारे पास एक और कलर है #F83600। तो वन बाय वन हम यहाँ से कलर कोड को पिक करेंगे और हम फोटोशॉप के अंदर उसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो भी शेप है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लेयर में आएं और इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जो ही इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो लेयर स्टाइल बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेडियंट्स ओवर लेयर, तो ये चेक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास ओपेसिटी ग्रेडियंट्स स्टाइल एंगल स्केल, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑप्शन हैं,
तो लेट्स सपोज मुझे ग्रेडियंट्स चाहिए, तो इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है, तो आपके पास ग्रेडियंट्स एडिटर तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास कलर होते हैं, तो ये ओपेसिटी स्टॉप, अब इस कलर की ओपेसिटी स्टॉप करनी हो तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप उसकी कलर की ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कम करेंगे तो वो बिल्कुल डिम हो जाएगा। और यहाँ से आप कलर स्टॉप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें तो आपके पास कलर पिकर का बॉक्स ओपन हो जाएगा, या आप यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे जो बैनर है इसके कलर को चेंज करना है, इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया और आपके पास ये कलर पिकर शो हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं और यहाँ से इसके कोड चेंज होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मुझे ये दोनों कलर चाहिए, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका कोड कॉपी हो जाएगा। आपने फोटोशॉप में आना है, ये जो #733B84 है इसको आपने माउस से सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी करेंगे तो वो कलर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। तो एक साइड का कलर हमने अप्लाई कर दिया, अब दूसरी साइड है तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, अगेन आप वापस जाएंगे और ये रेड कलर #F83600 इसके ऊपर आपने क्लिक किया, वापस आए और यहाँ से इस कलर को आपने कॉपी किया और यहाँ से आप इसको पेस्ट करते हैं तो वो कलर अप्लाई हो गया। यहाँ से आप इसको ओके कर लें तो आपके पास ये जो ग्रेडियंट था यहाँ पर आपके पास अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आपने ग्रेडियंट अप्लाई किया है कलर है, तो प्रीसेट के अंदर अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको न्यू करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। अब इस डायलॉग बॉक्स को मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, तो देखें आपके पास वो कलर, वो ग्रेडियंट यहाँ बैकग्राउंड में शो हो गया। इसके अलावा एक और वेबसाइट है, आप गूगल में आएँ और सर्च करें brandcolors.net। अब इस वेबसाइट के ऊपर जितने भी हमारे पास ब्रांड्स हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, या हमारे पास जितनी भी पॉपुलर वेबसाइट हैं जैसे अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अमेज़ॉन, फेडेक्स, तो उनके ऑफिशियल कलर यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेट सपोज मुझे कोई भी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिहांस डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, एक जहाँ पर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसका ऑफिशियल कलर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं और इसका भी सेम प्रोसेस है, जो कलर कोड यहाँ से कॉपी हो गया वहाँ पर जाकर आपने उसको पेस्ट करना है। पॉपुलर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ऑफिशियल कलर यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनके नेम से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यहाँ पर लिखेंगे तो वो उनके ऑफिशियल कलर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कलर यहाँ पर मौजूद हैं, आप इनका इस्तेमाल वन बाय वन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।